हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय कवि डिजाइनर बुटीक। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दो तरह की डिजाइनिंग दिख रही होगी, जो कि मैंने पहले अपने साड़ी में जो डिजाइन बनाया वो सेम इसी तरह की डिमांड मेरे क्लाइंट ने की थी। उसमें हमने इनकी प्लेन साड़ी में से ये डिजाइनिंग बनाई। तो ये डिजाइनिंग प्लेन साड़ी थी, प्लेन साड़ी में कोई वर्क नहीं था। इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से वर्क करके गोटे वगैरह लगा के इस डिजाइनिंग को पूरा किया है। बिल्कुल डिजाइनिंग कोशिश की है कि वही ड्रेस दी जाए। तो आज हम आपको ये डिजाइनिंग दिखाएंगे कि इसको हमने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो हमने सूट की कटिंग की उसमें हमने सबसे पहले नेक की कटिंग की। नेक की कटिंग जितने डीप होता है उस हिसाब से कटिंग हुई है। अब देख रहे हो आप, ये थोड़ा थोड़ा करके हम दिखा रहे हैं आपको कि हमने एक प्लेन कपड़ा लिया है और उस प्लेन कपड़े पे हमने ये गोटे लगाए हैं। ये गोटे तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि इस तरह के गोटे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी जगह पे यूज होते हैं। तो आज हम इस गोटे से इस तरह की डिजाइनिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो जहाँ तीरा जितना होता है उसके हिसाब से हमने उस कपड़े को कटिंग किया एक चकोर पीस में, और फिर हमने कुछ इस तरह से पूरा चकोर में ये गोटे लगा के डिजाइन तैयार कर दिया। अब देखिए जो तीरा है, तीरे के हिसाब से हम इसे सेट करेंगे। तो जिस तरीके से मेरे क्राफ्ट्समैन बना रहे हैं उसी तरीके से हमने इसको शूट किया है और आपके सामने इसको शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हमने इस डिजाइनिंग को किस तरीके से बनाया। तो जिस तरीके से डिजाइनिंग हमारे क्राफ्ट्समैन ने बनाया हम उसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, तीरे के बराबर हमने अपने डिजाइन की कटिंग कर ली है और इसको हमने एक नेक में जहाँ से जिस तरीके से नेक की कटिंग की है उसी तरीके से हम अपने फैब्रिक में भी कटिंग कर रहे हैं जिसमें हमने डिजाइन बनाया है। और ये डिजाइनिंग सब मेरे अपने तरीके से है कि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने अपने क्राफ्ट्समैन को बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसा मेरे नेक में है उसी तरीके से ये डिजाइनिंग देनी है। तो उसी तरीके से मेरे मास्टर जी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए, और ये भी देखा आपने कि इसको जहाँ तक हमें डिजाइन को चाहिए वहाँ तक उन्होंने निशान लगाया और अपना नेक को मेजर कर लिया कि कितने पे नेक बनाना है। और अब देखिए इसकी कटिंग कर दी, और अब इसकी जब कटिंग कर दी तो उसके बाद इसकी फिनिशिंग देने के लिए पहले एक फैब्रिक है उस पर हम जो बिल्कुल सिंपल इसी की तरह का मेन कपड़ा है पहले इसको मेजर करके देख रहे हैं वो कि ये सेट बैठ रहा है या नहीं। ये देखिए पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से सेट बैठ रहा है। अब इसको फिनिशिंग कैसे देंगे अब हम आपको वो बताएंगे। पहले तो आपने देख लिया कि इसको गोटे पे कैसे तैयार किया। अब इसकी फिनिशिंग के लिए उन्होंने एक और फैब्रिक लिया है जिस पे इसको सेम मेन कपड़े जिस पे सूट बन रहा है, ये कुर्ती बनाई जा रही है, तो उसको हमने इसके बराबर कटिंग कर लिया है। इसको हमने डबल लेयर की है, सिंगल लेयर नहीं डबल लेयर में, और इस डबल लेयर पे सेट करके फिर हम इसे उसी तरीके से तीरे पे सेट करेंगे। इसे हमने तीरे से कटिंग करके सेट नहीं कर रहे हैं, तीरे से भी कटिंग सेट करके इसको ऊपर की तरफ सेट किया जा सकता है, बट हमने इसमें तीरे की कटिंग ना करते हुए इसी डिजाइन को हम ऊपर से सेट करेंगे। तो ये बहुत तरीके से बन जाता है, पर जिस तरीके से बना है हमने आपको उसी तरीके से शेयर कर रहे हैं। ये डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि ये बोल रहे थे कि मैम आप ये वाली डिजाइनिंग बताइए। तो इसमें जो ऊपर वाले पार्ट में जो डिजाइनिंग बन रही है आज हम आपको वही डिजाइनिंग दिखा रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसके साथ सेट कर लिया, अब ये निशान लगा लिया, और अभी हम इसे जो मेन कुर्ती है उस मेन कुर्ती पर अभी इसे सेट करेंगे। ये नेक की कटिंग कर ली हमने, पूरी फिनिशिंग हो गई। प्रेस का सबसे ज़्यादा फिनिशिंग के लिए प्रेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये निशान लगा लिया जहाँ तक ये सेट होना है, निशान दोनों तरफ सेट कर लेने चाहिए क्योंकि इसमें सिलाई लगेगी तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ से सिलाई लगाने। तो ये देखिए इसे पलटने के लिए इन्होंने पहले उल्टा करके इसकी तरफ सिलाई की है ताकि इसे हम पलट सकें। तो इसे उल्टा करके सिलाई लगानी है जहाँ पे इसे सेट करना है, बिल्कुल कोने से कोना मिलाना होता है, और कोने पे ही जहाँ बिल्कुल नोक बनती है वहाँ पे हमें सुई को रोकना होता है। सुई हमेशा वहीं रोकिए जहाँ पर हमारा कॉर्नर बनना है।
और उसे घुमा के सिलाई लगा दीजिए। निशान लगाने से हमें ये आइडिया रहता है कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी होती है। तो अब ये हमने सिलाई लगा दी और अब हमने इसकी पलटी कर दी इस तरीके से। पलटी करके फिर प्रेस से इसको पूरी फिनिशिंग दीजिए। ये ऐसी चीज़ें प्रेस से ही हमेशा सीधी होती हैं और प्रेस का सहारा सबसे ज़्यादा लेना चाहिए ताकि ड्रेस में पूरी फिनिशिंग आ जाए। अब हम इसकी नेक की फिनिशिंग करके दिखाएंगे। ये उधर से सेट हो गया, अब इसकी नेक की फिनिशिंग करके दिखाएंगे पाइपिंग के साथ में। तो पहले ये जो गला कटिंग किया है ये बिल्कुल सेम जितना गला कटा हुआ था उसी हिसाब से पेपर फॉर्म को भी निशान लगा के इसकी कटिंग कर दी है। और उसकी गले की कटिंग करके इसकी फिनिशिंग कर दी बाहर से। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए वही ओरेप कपड़ा कटिंग किया जाता है। कई बार काफ़ी सारे वीडियो में मैं पाइपिंग बता चुकी हूँ कि किस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं। आज हम आपको इसमें भी एक अंडरग्राउंड वाली पाइपिंग भी बताएंगे। तो अंडरग्राउंड पहले भी बताइए पर आप दोबारा भी देख सकते हो। और ये देखिए जो बूट होता है हाफ बूट से और एक जो झुग्गी मशीन होती है उस पर ही इसी बूट से ये सेट हो जाती है। तो इसमें जब हम सिलाई करते रहते हैं तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर हमें मशीन चलानी है। तो ये हमने गले में जब भी अंडरग्राउंड पाइपिंग लगानी होती है तो हमेशा गले को कट करके रखना होता है। ये लग गई पाइपिंग की सिलाई और अब अंदर बीच में इसमें पाइपिंग आ गई है। मेन कपड़ा और नेक के बीच में पाइपिंग है। अब इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई ना चले, उसके बराबर में चले। तो जब हम बूट लगाते हैं तो और सिलाई चलाते हैं तो वो अपना बूट इस तरीके से सेट करते हैं कि पाइपिंग के बिल्कुल जस्ट बराबर में सिलाई लगाते हैं। हमारी पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से निकल आती है और अंडरग्राउंड भी हो जाती है। अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि पाइपिंग का मार्जिन बाहर नहीं दिखाई देता। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है। वैसे मैं अब तो देखिए काफ़ी टाइम हो गया मैं मशीन से अब स्टिचिंग नहीं करती हूँ। मैं पहले काफ़ी बहुत यूज़ किया है मैंने, बट अब मैं बुटीक पूरा संभालती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती मैंने जो मेरे क्राफ्ट्स मैन ही करते हैं। बट आपको मैं पूरा अपने बुटीक में जिस तरीके से बनता है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको ये पसंद आती है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो में व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं और वीडियो में मेहनत बहुत लग जाती है। बट ये मेरी डिमांडिंग वीडियो है। जब भी मुझे कोई क्लाइंट डिमांड करते हैं तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि डिजाइनिंग को शेयर किया जाए और आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इस तरह की वीडियो का आइडिया मिल सके और मेरा जो चैनल है उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ जाए। क्योंकि इस तरह की वीडियो पे व्यूज़ थोड़ा कम है क्योंकि शायद मैं डिमांडिंग पे बनाती हूँ, तो इसलिए जिस किसी को ये पसंद आती है उसी तरीके की वीडियो को देखना पसंद करता है। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो काफ़ी लोगों के पास पहुँचेगी और ऐसी डिजाइनिंग देखना भी पसंद करेंगे। तो ये देखिए अंडरग्राउंड पाइपिंग भी निकल गई, फिनिशिंग भी हो गई और हमारी डिजाइनिंग भी तैयार हो गई। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये डिजाइनिंग कैसी लगी और जा